हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सीओटी पीजी एग्जामिनेशन, बिकॉज आपके जो एग्जाम है वो है 1 सितंबर 2022 से। लेकिन भैया अभी तक तो एडमिट कार्ड आया नहीं है, तो हम एग्जाम कैसे दें? और हालांकि जिन स्टूडेंट का एग्जाम सिटी दूर है या फिर जो अदर स्टेट में है, उनके लिए एडमिट कार्ड जल्द से जल्द आई थिंक 10 दिन पहले लॉन्च करना चाहिए था। और सब जगह यही बोलते हैं कि आपको जो है 10 दिन पहले एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हमें एडमिट कार्ड नहीं मिला है। तो हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करें, राइट? सो यार, आपके जो एडमिट कार्ड है वो 29 अगस्त को टिल 5 बजे तक आपका रिलीज हो जाएगा एडमिट कार्ड। आप CUET.NTA.NIC.IN की जो भी है की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, साथ में जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। आपके जो एग्जामिनेशन है सीओटी पीजी के, वो जो है 2 फेज के अंदर कंप्लीट होंगे। इसी के साथ जो आपके एग्जामिनेशन वो 1 सितंबर से लेके जो है टिल 11 सितंबर तक चलेंगे। अलग अलग फेसेस के अंदर जो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। आपके जो शेड्यूल के अनुसार आपका जो सारा का सारा शेड्यूल आपके एडमिट कार्ड के अंदर दिया रहता है। एंड ये स्पेसिक ये डिक्लेयर किया गया है कि आपके लिए जो अलग अलग डोमेन के लिए आपका जो सेंटर है वो अलग अलग हो सकता है। यानी कि आपका अगर डोमेन इंग्लिश है, वो अगर राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी अदर कॉलेज में हुआ है, देन जो आपका जो अदर मान लो आपका केमिस्ट्री डोमेन है, उसका जो एग्जाम है वो राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट के अदर डिस्ट्रिक्ट में भी मतलब अदर कॉलेज सेंटर में हो सकता है। ऐसा स्पेसिक सीयूईटी के अंदर देखने को मिला है। आपके लिए अलग अलग डोमेन के अलग अलग जगह पर जो है सेंटर के अनुसार आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, और टिल 11 सितंबर तक एग्जाम कंडक्ट कर दिए जाएंगे। काफी बड़ा क्वेश्चन यही है स्टूडेंट का कि भैया जो है एडमिट कार्ड कब आने वाला है। तो यार, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 29 अगस्त को शाम 5 बजे तक आने के पूरे पूरे आसार है, पूरी पूरी उम्मीदें हैं, सारी के सारे एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं। तो बी पेशेंस एंड जस्ट यार खूब पढ़ते रहिए। एंड जस्ट आप लोग मुझे बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कैसे पढ़ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है कि नहीं चल रही है? बिकॉज यार, अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, या फिर जस्ट BHU हो गया, जामिया हो गया, राइट, JNU हो गया, सॉरी, ठीक है, जस्ट लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह DUET का एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन जस्ट पंजाब जस्ट लाइक जो भी हो गया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, इनके अंदर जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूँ तो जिन कोर्सेज की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है स्टूडेंट के द्वारा, वो रहती है MSc केमिस्ट्री हो गया, MSc फिजिक्स हो गया, MSc मैथमेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा रहता है स्टूडेंट को करीज, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी बहुत सारे स्टूडेंट्स परस्यूम करना चाहते हैं। तो ये जो सारे कोर्सेज हैं बहुत अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु हो गया, काफ़ी अच्छे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। यार खूब पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लेके आइए और जस्ट अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाइए टू गेटिंग द एडमिशन इन द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस बार स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेज भी है जो कि CUET के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यार काफ़ी अच्छा मौका है टू गेट द एडमिशन इन योर डिजायर कॉलेज एंड दस लाइक सक्सेस इन योर लाइफ। तो यार खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।